गाइस राइडर कैसे बने बताओ आप लोग भाई। एक राइडर के लिए तो एक सेटअप होना ज़रूरी है, खासकर बाइक और तो कैमरे का सेटअप। मेरे पास जो कि दोनों में से कुछ नहीं है, देख लो साइकिल है और फ़ोन है, वो भी हाथ से पड़ा हुआ हूँ। ब्लूटूथ लीड है जो कि हर एक चीज़ रिकॉर्ड करती रहती है आवाज़ में, आवाज़ भी हवा भी कभी आवाज़ भी सब रिकॉर्ड करती है, जो कि एक नहीं करती, खासकर वो आवाज़ मिक्स आवाज़ करती रहती है। कि देखो ये नया पैलेस बनेगा, पता नहीं मार्केट बनेगा ये, और कुछ सब कुछ बनेगा ये पहले ऐसा कुछ नहीं था। ये खपुरे रोड में हूँ। मेन बात जो आप लोग राइडर बनना चाहते हो ना, तो राइडर के लिए एक बाइक होनी चाहिए और एक कैमरा अच्छा सा और एक वायरलेस या हो लीड में कोई चाहिए बढ़िया, जो ओनली आवाज़ रिकॉर्ड कर सके। हेलमेट में फिट कर लो, जैसे जो और वीडियो में देख लो सेट कर लो, और उसमें ऐसे चलते रहना, थोड़ी स्पीड में रखना ताकि आप लोग बोर ना हो, और उस जगह की बोलना है जिस जगह का आप लोग बारे में जानते हो। जैसे मैं एक पूरे रोड में चल रहा हूँ तो मैं इस जगह बोलता हूँ कि यहाँ पे ग्रीन गार्डन है, गोल गार्डन था, वो हैवी रोड में चल रहा हूँ। आगे जा रहा हूँ तो आगे रामनगर आएगा, बहुत कुछ आएगा, जैसे चक्रदेश चल रहा हूँ, पीछे था तो वही बहुत जाऊँगा। ऐसे ऐसे जिस चीज़ के बारे में जानते हो उस चीज़ के बारे में बताना है और जिस जगह जा रहे हो, ठीक है, और ऐसे बोलना है, और ख़ास करके चलते वक्त बोलना है, रुकने पे नहीं बोलना। ऐसे कहीं खड़े हो गए सिग्नल पे, या फिर कहीं ट्रैफिक लगा हुआ है वहाँ, या फिर कुछ काम कर रहे हो, या मतलब कुछ भी रुक गए तो वहाँ खड़े होकर बोलना नहीं है। तो बोलोगे तो अगले लोगों का इंट्रैक्शन कम हो जाएगा, मतलब रुचि अच्छा उन्हें पसंद नहीं आएगा, जिससे वो आप लोगों की वीडियो स्किप कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं करना, चलते रहो और लिमिट स्पीड बना के रखो। जैसे कोई जैसे यहाँ रोड पर कोई गाड़ी वाहन चल रही है तो इसकी आवाज़ भी आ रही है, तो यहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक है नहीं, तो मैं ज़्यादा चला नहीं सकता क्योंकि मेरी साइकिल है, इतनी स्पीड चलेगी भी नहीं। और चलाऊँगा भी तो एक हाथ चलाऊँगा तो फिर बैलेंस बनाना मुश्किल पड़ता है, इसलिए मैं थोड़ा लिमिट से चल रहा हूँ, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा इनसे आगे निकल लेता हूँ। देखो रोड आ गया, ये इधर के रामनगर जाता है, इस साइड में ड्यूटी जाता हूँ, सीधा चलूँगा। ये सौ फुटिया रोड मतलब प्रदेश का रोड है, ये इस साइड से मैं अपने उधर ही जाता हूँ जहाँ से मैं हो गया हूँ 23 में से, और थोड़ा और आगे चलूँगा पीपल के पेड़ के पास, तब मेरा घर आ जाएगा, तो फिर उसके बाद चला जाऊँगा। राइडिंग के लिए तो सेटअप और बाइक होनी चाहिए, ठीक है, और ऐसा नहीं कि मेरे जैसा कर दिया, पर मुझे थोड़ा नॉलेज है, हाँ बोलते हुए रहना, स्पीड करते रहो, नहीं बोलना आता तो कोई बात नहीं, ट्राई करते रहो। जैसे कि मैं भी ट्राई करता रहा तो मुझे इतना बोलना पसंद भी नहीं है, पर आप लोगों के लिए मुझे थोड़ा बोलना पड़ता है, इसलिए अब मुझे थोड़ा अच्छा भी लगता है बोलने में भी, और कोई शर्मिंदगी भी नहीं महसूस होती, आप लोगों को भी नहीं होगी। चलो ठीक है, मेरा घर आ गया है, अब चलते हैं। ये मेरा घर,